गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। और आज हम कर रहे हैं हिंदी की ग्रामर बुक में से एक पत्र। पत्र का नाम है स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी को दूर करवाने हेतु शिकायती पत्र। आपके मोहल्ले में जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है और आप चाहते हो कि वो सफाई अच्छे ढंग से हो और गंदगी दूर हो, उसके लिए आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखोगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी पश्चिम नगर। यहाँ पर आप किसी भी नगर का नाम, किसी भी कॉलोनी का नाम दे सकते हो और यहाँ पर आप उस शहर का और नाम दोगे जहाँ पर आप रह रही हो। उसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय हमारे पास क्या है? सफाई के लिए, गंदगी दूर करने के लिए। महोदय लिखकर हम उनको संबोधित करेंगे। निवेदन है कि मैं आपका ध्यान तिलक नगर, यहाँ पर ध्यान रखना है हमने कि हम किस नगर का नाम लिख रहे हैं, तो वो कोई भी ले सकते हो आप नगर का नाम, कि गंदगी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर जमा है, वातावरण में बदबू फैली हुई है। वातावरण क्या होता है? एनवायरमेंट। यहाँ जगह जगह गड्ढों में पानी सड़ रहा है, उनमें मच्छरों की भरमार है। क्षेत्र मलेरिया बुखार की गिरफ्त में है। गिरफ्त क्या होता है? कि वहां पर बहुत ज्यादा फैल गया है, उसके चंगुल में फंस गया है मलेरिया बुखार की। यहाँ आपके विभाग के सफाई कर्मचारी आते ही नहीं, कभी कभी कोई कर्मचारी आ भी जाए तो पेड़ के नीचे बीड़ी पीता रहता है। हमने जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम वर्डिंग लिखनी है, हम कुछ अपने तरीके से भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो सफाई क्यों नहीं करते हैं। कई बार होता है, हमने सड़क के किनारे देखा है कि सफाई तो वो कर देते हैं, जैसे नालियों की सफाई करते हैं, और कूड़ा क्या है, बाहर सड़क पर जमा कर देते हैं वो, तो वो ढेर दोबारा फिर सड़क पर उड़ते हैं, लोगों की आंखों में मिट्टी जाती है, गंदगी पर मक्खियां बैठती हैं, मच्छर बैठते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने कई बार उनसे सफाई करने की प्रार्थना की है पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये एक मुहावरा है, कान पर जूं न रेंगना, इसका मीनिंग होता है कोई असर न होना। अब आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप स्वयं इस क्षेत्र का निरीक्षण करें। निरीक्षण क्या होता है? कि वहां पर जाकर खुद देखें, ठीक है, उस एरिए को खुद देखें, जांच करें उसकी, और सफाई की व्यवस्था करवाएं। आप नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह भली प्रकार से करेंगे। वो कहता है कि मुझे उम्मीद है इस बात की कि आप इस जो मैंने पत्र में आपको परेशानी बताई है, आप इसका हल जरूर करोगे। उसके बाद हम सधन्यवाद भवदीय लिखने वाला जो है, प्रार्थी जो है, वो आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो और जो नगर आपने यहाँ पर लिखा था उसी नगर को आप नीचे लिखोगे, साथ में जिस शहर का नाम आप दे रहे हो वो होगा और दिनांक जिस दिन आप राइट कर रहे हो पत्र वो होगा। तो इस पत्र को आपने नोटबुक में राइट करना है और इसको साथ के साथ ही लर्न कर लेना है। और आपको आज मैं पाठ्यपुस्तक का थर्ड पार्ट भेज रही हूँ, आपने उसकी रीडिंग करनी है अच्छे से और कल हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।